किचन विद हिना के साथ आप सबको खुश आमदीद। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है मटन यखनी पुलाव। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली रेसिपी है, और आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप इंशाल्लाह इसको बार बार ट्राई करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने ये कैसे बनाया। चॉम्प्स मैंने ली है 1 kg, एक बड़ा प्याज मैंने लिया था उसके मैंने 4 टुकड़े कर लिए, और एक ये मैंने लहसुन लिया, और मैंने ये साबुत गरम मसाला है, इसमें जीरा है सफ़ेद जीरा, 10 से 12 अदद लौंग है, सौंफ है 1 टीस्पून, और 2 अदद मैंने ली है मोटी इलायचियाँ, छोटी इलायची है 2 से 3 अदद, दालचीनी है इसके नॉर्मली 2-3 टुकड़े, और 2 पत्ते मैंने लिए हैं तेज पात के, 1 टीस्पून जो है वो मैंने नमक लिया है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने साबुत काली मिर्चें ली हैं, और 1 लीटर पानी। ये मैं पानी डाल दूंगी प्रेशर में। तमाम साबुत मसाले, नमक, काली मिर्चें, प्याज और लहसुन, और ये मेरी मटन चॉप्स। मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैंने 1/2 लीटर पानी और डाल दिया। ये देखें जी, हमारी शानदार सी यखनी जो है वो तैयार हो गई है। मैंने तकरीबन 10 मिनट का जो है वो 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाया था। चावल जो है वो भिगो दिए हैं धोकर, और मैंने इस ग्लास से मेजर किए हैं 3 ग्लास, और अब हम पतीले में डालेंगे ऑयल, 1 कप ऑयल है, और ये तकरीबन 2 दरमियाने साइज के प्याज थे, ये काट के हम प्याजों को ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो गया, और अब हम इसमें यखनी ही डालेंगे। दो टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, 2 अदद चॉप टमाटर है वो मैं डाल रही हूँ, 1/2 टीस्पून मैंने सौंफ को कूट के रखा है वो डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक, और 4 से 5 अदद हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने मोटा मोटा सा ऐसे चॉप कर दिया, और अब हम इसको भून लेंगे। ये देखें अच्छी तरह से भूनना है ताकि हमारा लहसुन अदरक का जो खुशबू है वो अच्छी तरह से इसमें आ जाए और ये कुक हो जाए। थोड़ी थोड़ी सी हमने यखनी डालते रहना है और इसको भूनते जाना है। अब बारी आ गई मसालों की। मैंने 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ गरम मसाला, 1/2 टीस्पून मैंने ली है लाल मिर्च, ये 2 तकरीबन बादियान के फूल हैं, और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, और 2 पत्ते जो हैं ये तेज़पत्ता है, ये मैंने इसमें डाल देना है। अब हम इसमें जो हमारा गला हुआ मटन है वो इसमें हम शामिल कर देंगे, और इसको ऐसे मसाले में भून लेंगे। ये देखें जी अच्छे तरीके से ये चॉप्स इसमें मसाले में भून रही हैं। नमक मिर्च का जो भी तनासुब है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखें अब मैं इसमें अपनी जो यखनी है वो मिला, यखनी को जोश आ गया, और अब हम इसमें हमारे जो भीगे हुए चावल हैं वो शामिल कर देंगे। हल्का सा हल्के हाथ से हम इसमें चम्मच चलाएंगे ताकि चावल टूट ना जाए। ये देखिए माशाल्लाह से चावल जो है वो अब इसमें पकना शुरू हो गए हैं, और इस स्टेज पे आके आपने नमक और मिर्चों या मसालों के तनासुब को ज़रा देख लेना है। वैसे जितने मैंने सारी चीज़ें बताई हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मसाले के लिए हैं, ना ज़्यादा तेज़ है ना ज़्यादा कम है। ये देखें हमारे राइस जो हैं आहिस्ता आहिस्ता कुक होने की तरफ करीब आते जा रहे हैं, और हमने इनको बिल्कुल ज़्यादा हिलाना नहीं है, क्योंकि अगर हमने इनको ज़्यादा हिलाया तो इससे चावल टूट जाएंगे, सारे चावल ख़राब हो जाएंगे। तो यही रीज़न होती है कि चावल जो है बैठ जाते हैं, क्योंकि हम उसको हिला हिला के ख़राब कर देते हैं। और एक और मेन पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जब आपने इसमें यखनी डालनी है तो जो मसाले और प्याज और लहसुन हमने डाला था यखनी में वो पुलाव में नहीं आना चाहिए, यखनी को स्टेन करके और फिर जो है वो हम मसाले में मिक्स करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे चावल जो है इसमें तकरीबन 1 कनी रह गई है, 1 से 2 कनियाँ रह गई हैं, और अब ये दम लगाने के करीब है। मैंने ये रुमाल को थोड़ा सा गीला कर लिया था
और गीला करके मैंने इसको दम लगाना है। तकरीबन 10 मिनट का हम इसको दम लगाएंगे और फिर दम लगा के मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल रिजल्ट। ये देखिए जी, 10 मिनट बाद हमारे राइस कितने खिले खिले और ख़ूबसूरती से तैयार हैं। अब हमें डिश आउट करते हैं। ये देखिए जी, हमारी फाइनल पुलाव की लुक जो है वो ऐसे लग रही है। और ये देखिए, चावल माशाल्लाह से बड़े ज़्यादा खिले खिले और अलग अलग हैं, और ये टेस्ट में भी बहुत ज़बरदस्त है और लाजवाब है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को खिलाएं, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपने जब ये रेसिपी ट्राई की तो आपको कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।